नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयादि संधि। इससे पहले हम जो स्वर संधि उसके भेद की भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ा, उसके बाद हमने गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ा। आज हम स्वर संधि का अंतिम भेद अयादि संधि पढ़ने जा रहे हैं। अयादि संधि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न इस संधि से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो संधि विच्छेद या संधि कार्य होता है वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हम जब स्वरों का मेल करते हैं तो स्वरों का मेल करने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो आपको स्वरों के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो विकार प्राप्त होगा वो थोड़ा अलग प्राप्त होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि में ए आई जो हमारे चार स्वर होते हैं संयुक्त स्वर, कौन कौन से देखिए, ए आई ओ और औ, इन स्वरों के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे होता है देखिए, जैसे उदाहरण है आपके पास में ने धन अंत, ठीक है, तो यहाँ आपको ए की मात्रा दिख रही है, इस ए की मात्रा के बाद में क्या है अ, यानी असमान स्वर है, तो जब असमान स्वर आ जाए, अगर समान स्वर आ जाए तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यदि ये समान स्वर आ जाए तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें कौन सी संधि है, ये अयादि संधि, और वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ए आया, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ए को इस न से अलग करेंगे, हमने करा यहाँ न में से हमने ए निकाल लिया और पीछे का हमने स्वर ऐसे के ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो ये जो ए है इसको हमें किस में बदलना है, अय में बदलना है, तो यहाँ पर देख दीजिए न धन अय धन अन, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस न को तो ये अ पूरा करेगा और इस य को ये वाला अ पूरा करेगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया नयन, क्या बन गया, ये नयन बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले में करना है, दूसरे वाले में यानी जब आई आ जाए तो आई को किस में परिवर्तित करना है, हमें आय में, कैसे परिवर्तित करना है देखिए, उदाहरण क्या है हमारा, गई धन अक, क्या है उदाहरण, गई धन अक, यहाँ एक मात्रा है यहाँ दो मात्रा है, तो इन दो मात्राओं को हमें किस में बदलना है, आय में बदलना है, तो अब इसका भी हम ये करेंगे, इस ग में से हमने आय की मात्रा को अलग किया, ठीक है, इस आय की मात्रा को अलग करा हमने, अलग करने के बाद में इस आय को किसमें बदलेंगे हम, आय में, गाय और ये अक, ठीक है, तो अब आ इस ग को पूरा करेगा और ये वाला अ इस य को पूरा करेगा, तो हमारा शब्द क्या बन गया है यहाँ, गायक, क्या शब्द बना हमारा, गायक, ठीक है। फिर है ओ की मात्रा के शब्द, यदि आपके पास शब्द में ओ आए और ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो इस ओ को आपको किस में बदलना है, अव में बदलना है, कैसे बदलना है देखिए, अ में से हमने ओ निकाला, अ में से हमने ये ओ निकाला और पीछे का हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, इस ओ को हमें किस में बदलना है, अव में, किस में बदलना है, अव में, अब ये अ व को पूरा करेगा और ये वाला अ व को पूरा करेगा, हमारा शब्द क्या बन गया, पवन, क्या बन गया, पवन। ऐसे यह देखिए शव धन अक, अव को किसमें परिवर्तित करते हैं, आव में परिवर्तित करते हैं, किसमें परिवर्तित करते हैं, आव में परिवर्तित करते हैं, तो हमने श में से अव को लिया और अक को ऐसे कैसे लिख दिया, इस अव को आपको किसमें बदलना है, आव में, किसमें बदलना है, आव में, ये आ श को पूरा करेगा और ये वाला अ व को पूरा करेगा, क्योंकि स्वर व्यंजन में जुड़ते हैं तो आ जो स्वर है वो श में जुड़ करके शा बन जाएगा और पीछे वाला जो अ स्वर है वो व में जुड़ करके व बन जाएगा, क्या हुआ हमारा, शावक, क्या हुआ, शावक। और उदाहरणों से एक एक करके इसे समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ए के उदाहरण देखते हैं कि ए में कैसे ये काम करता है, ठीक है, ए के बाद में यदि
असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर यानी इन चारों के अलावा अ आ ई ई उ ऊ आ जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ए हमारा अ में परिवर्तित हो जाता है, ए हमारा आय में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है? अब आपको यहाँ आय दिख रहा है, ये देखिए आय, इसमें भी आय है, इसमें भी आय है, इसमें भी आय है और इसमें भी आय है। तो जहां पर आपको आय दिख रहा है वहां आपको ए की मात्रा लगा देनी है। कैसे लगा देनी है? यहाँ पर आय कहाँ लग रहा है? श के बाद में, तो हमने श में ए की मात्रा लगाई। अब य में कौन सा स्वर है? अ, तो बस उस स्वर को हमने अलग कर दिया और पीछे जो वर्ण है उसको वैसे कैसे लिख दो, क्या हो गया? शे धन अन शयन। अब इसे आप कैसे परिवर्तित करेंगे? देखिए यहाँ श में ए की मात्रा है, श में से हमने इस ए की मात्रा को निकाला और पीछे का हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये जो ए है इसको हमने किसमें बदला? आय में, और पीछे वाले हमने वर्ण ऐसे कैसे लिख दिए, आगे का श भी हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये अ श को पूरा करेगा और ये अ य को पूरा करेगा, क्या बन गया? शयन बन गया। ठीक है, दूसरा है चयन। तो वही आपको कार्य क्या करना है, जहां अय दिया हुआ है वहां पे आपको ए की मात्रा लगा देनी है, या में से स्वर निकाल के आपको अलग कर देना है। तो क्या हो गया ये? चे धन अन। इसे भी इस प्रकार से करके देखिएगा, हमने च में से वर्ण विच्छेद करेंगे तो संधि कार्य आपको बहुत सरल लगेगा। वर्ण विच्छेद करने से आपको उसमें स्वर का भी पता पड़ जाएगा और आपको व्यंजन का भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो च में से हमने ए निकाल लिया और पीछे क्या है? अन। तो ए को हमने आय में बदला और स्वरों का एक साथ लगा करके हमने शब्द बना लिया। शयन में भी यही होगा, शे धन अन। ठीक है, ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो यहां पर भी हम यही करेंगे, श धन ए धन अन, क्या हो गया? शयन। फिर जय, जे धन आ। अब ये इतना सा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ज के बाद में अ लग रहा है, तो अ लग रहा है, य में कौन सा स्वर है? अ, उसके बाद में कोई अक्षर नहीं, इसलिए हम इसको यहीं तक ही रखेंगे। ज में हमने ए की मात्रा लगाई और य में कौन सा स्वर है? अ, इसको तोड़ोगे आप तो क्या आएगा? ज धन ए धन अ। तो ये ए जो है ए किसमें बदला? अ में बदला, तो अ इसमें जुड़ा और य में पीछे वाला अ जुड़ करके उस य को पूरा कर दिया, तो क्या हो गया? जय, विजय। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? विजय धन अ, क्या हुआ? विजय। इसका वर्ण विच्छेद करके देखिए, ज में से हमने ए निकाल लिया और अ लिख दिया, तो ये ए किसमें बदला? आय में बदला, इस अ का अ तो ज में जुड़ा और य में अ जुड़ के इसको पूरा कर दिया, क्या हो गया? विजय। तो ये क्या था? ए के बाद में यदि असमान स्वर आ जाए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? अ में। ये पहला नियम है अयादि संधि का। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है यदि अ के बाद में असमान स्वर हो तो अ किसमें परिवर्तित हो जाता है? आय में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? आय में। यदि अ के बाद असमान स्वर है, असमान स्वर है, तो ये आई आय में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? आय में। जैसे देखिए नायक, ठीक है, हमने गायक देख लिया था, नायिका, गायिका, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे आप? नायक यहां पे आपको आय दिख रहा है, पहले वाले उदाहरण में हमारे पास केवल अ और य था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? आ और य। तो जहां पर भी आपको आय दिखे वहां जिस वर्ण में आ की मात्रा लग रही है उसमें आपको अ की मात्रा लगा देनी है। यहाँ क्या हो जाएगा? नई धन, या में कौन सा स्वर है? अ, तो अक, क्या हो गया? नायक। कैसे हुआ? वही कार्य करना है आपको, न में से आपको अ की मात्रा निकालनी है और पीछे का वर्ण ऐसे के ऐसे शब्द आपको लिखना है। इस आई को हमने किसमें बदला? आय में। पीछे का हमने शब्द ऐसे कैसे लिखा और आगे जिस प्रकार हमने अलग किया था वो लिख दिया। ये आ न में जुड़ के न को पूरा करेगा और ये अ य में जुड़ के य को पूरा करेगा। हमारा शब्द क्या आ गया यहाँ? नायक। ठीक है, इसी प्रकार नायिका में बस ई की है, देखिए य में किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है, तो आगे का तो सेम टू सेम है, नई धन इका,
ठीक है। इका क्यों आया? क्योंकि य में छोटी ई की मात्रा है, पीछे का का तो ऐसे कैसे लिखना है हमें। गायिका में देखिए, ग में आई की मात्रा लगाई और इका क्या बन गया? गायिका। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जिनके बारे में हम देखते हैं यहाँ, जैसे विनायक विधायक, ये शब्द बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि इनका संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो पहले हम दायक का देखते हैं। दायक तो वही आपको आय यहाँ दिख रहा है, आय यहाँ दिख रहा है, आय यहाँ दिख रहा है, आय यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जहाँ आ की मात्रा है वहां पे आई की मात्रा लगा दीजिए, या में से स्वर निकाल करके पीछे वाला शब्द बनाना है। तो द में आई की मात्रा लगाई और य में क्या है अ, तो क्या बन गया? दई धन अक दायक। आपको क्या करना है, वही कार्य करना है आपको। द में से हमने आई की मात्रा निकाली और पीछे का शब्द हमने ऐसे कैसे लिख दिया। आई को हमने आय में बदला, आय का आ द को पूरा करेगा और पीछे वाला अ य में जुड़ करके य को पूरा करेगा। विनायक, वी तो हमारा ऐसे कैसे, क्योंकि आ की मात्रा कहाँ लग रही है? न में लग रही है, इसलिए आगे वाले व्यंजन में आगे वाले जो वर्ण है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। न में आई की मात्रा लगी और य में क्या, किसकी मात्रा है? य में अ है, तो हमने इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर वही हमें कार्य क्या करना है, यहाँ पे वी न में से आई की मात्रा निकाली और अक, तो यह आई किस में परिवर्तित हो जाएगा? आई में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द क्या बना हमारा? विनायक। इसी प्रकार विधायक में भी विधायी, क्यों? क्योंकि ध में आ लगा हुआ है और आ के बाद में यह है, विधायी धन अक। य में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो क्या बन गया? विधायक। वी ध धन आई धन अक, क्या बन गया? विधायक। इसी प्रकार दाहिनी में देखिए, दई धन इनी। द में आ है, य में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो दई धन इनी क्या हो गया? दाहिनी। द में से हमने आई की मात्रा निकाली और इनी। ठीक है, ये थे हमारे ए के उदाहरण। किसके उदाहरण थे? ए के उदाहरण। अब हम देखते हैं आई के उदाहरण, सॉरी ये आई के उदाहरण थे, अब हम देखेंगे ओ के और औ के उदाहरण। ठीक है, अब देखिए, यदि ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे भवन, यहाँ पर अय और आय की जगह क्या आ गया? अव। भ व न, यहाँ पर देखिए पवित्र, तो अ व आ गया। फिर देखिए श्रवण, तो श्र व, यानी श्र में अ और व आ गया। फिर हवन, ह में अ और व आ गया। भविष्य, भ में अ और व आ गया। और गवेंद्र, यानी ग में अ और व आ गया। ठीक है, तो आपको अब यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ वही कार्य करना है जो हमने पहले वाले उदाहरणों में किया था। हमें अब जो यहाँ पर अव लग रहा है, यानी जहाँ अ की मात्रा है वहां हमें ओ कर देना है, और व में जो स्वर है उसे अलग करके हमें दूसरा शब्द बनाना है। जैसे यहाँ भ में अ लग रहा है, तो ये क्या हो गया? भो धन अक। व में किसकी मात्रा है? अ, तो ये अ यहाँ अलग हो गया, क्या हो गया? भवन। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? वही कार्य हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। कैसे करना है? हमने भ में से ओ को निकाल के अलग किया और अन लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ओ है ये किस में परिवर्तित होगा? अव में। पीछे वाला हमने शब्द ऐसे कैसे लिखा? और भ लिख दिया। ठीक है, अब ये अ तो भ को पूरा करेगा और ये अ व को पूरा करेगा। शब्द हमारा क्या बना? भवन। शब्द हमारा क्या बना? भवन। फिर है पवित्र। ठीक है, अब वहां पर किसकी अ किस में लग रहा है? प में लग रहा है, तो प में हम क्या लगा देंगे? ओ। और व में किसकी मात्रा है? ई की, छोटी ई की, पीछे का त्र हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या बन गया? पवित्र। क्या बन गया? पवित्र। ठीक है, अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, तो प धन ओ धन इत्र। इस ओ को हम किस में बदल देंगे? अव में बदल देंगे। फिर है श्रवण। श्रवण में भी वही कार्य हमें करना है, श्र में ओ की मात्रा लगाई और व में क्या है? अ। ठीक है, और ण लिख दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब शब्द के अंत में न आता है तो संधि कार्य करने पर वो न पंचम वर्ण अर्थात अणय में परिवर्तित हो जाता है।
श्रम में से हमने ओ निकाला और अन लिख दिया, तो ये ओ किस में परिवर्तित हो गया हमारा आव में। फिर हवन में भी यही होगा, ह हो धन अन, क्या हुआ हवन, हम इसे हमने ओ निकाला और पीछे का हमने स्वर मिला करके शब्द बना दिया, ठीक है। फिर हाँ भविष्य, भविष्य में हम अ किस में लग रहा है, भ में लग रहा है, तो भ में हम क्या लगा देंगे, ओ की मात्रा। व में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो ये छोटी की मात्रा और पीछे का श्य ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे, क्या हो गया भविष्य। वही कार्य हमें करना है, भ में से हमने ओ निकाला और व में किसकी मात्रा है, ई की, पीछे का शब्द हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या बन गया भविष्य। गवेंद्र, अ किस में है, ग में, तो हमें ग में क्या लगाना है, ओ। व में किसकी मात्रा है, ए की, व में किसकी मात्रा है, ए की, क्या बन गया एन्द्र, ठीक है। हमें कार्य वही करना है, ग में से हमने ओ निकाला और एन्द्र, ठीक है, क्या बन गया गवेंद्र, ठीक है। ये थे हमारे, यदि ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए, ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ओ किस में परिवर्तित हो जाता है, अव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको यण संधि पढ़ाई थी कि य और व को अर्ध स्वर माना जाता है, तो वही अर्ध स्वर हमारे अयादि संधि और यण संधि में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि यदि ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो वो औ किस में परिवर्तित हो जाता है, आव में परिवर्तित हो जाता है। आगे हमारा यदि औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आव में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है देखिए, आपको यहाँ आव दिख रहा है, धावक, धावक, ध में आ है और व है, फिर पावन, श्रावण, प्रभावित और भावुक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ आव है वहां आव की जगह आपको क्या लगाना है, औ की मात्रा लगानी है, जिस वर्ण में जिस शब्द में हमें औ मिल रहा है, जहाँ हमें आव मिल रहा है उस आव की जगह हमें क्या लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देनी है। जैसे ध है, ध में क्या है, आ है, तो हमने क्या लगा दिया, औ की मात्रा लगा दी। और व में क्या है, अ, पीछे क्या है, क, क्या बन गया धौ धन अक, क्या शब्द क्या हो गया हमारा भाव, इसका भी हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। ध में से हमने औ को निकाला और अक लिख दिया, ठीक है। इस औ को हमें किस में परिवर्तित करना है, आव में, पीछे का अक ऐसे कैसे लिख दीजिए, आगे का ध ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये अ आ ध में जुड़ेगा, ये अ व में जुड़ के व को पूरा करेगा और ये आ ध को पूरा करेगा, क्या शब्द क्या बन गया हमारा धावक, ठीक है। फिर है पावन, तो आ किस में है, प में, प में हमने क्या लगाई, औ की मात्रा, व में क्या है, अ, तो इसको हमने अलग कर दिया, अ के बाद में क्या है ना, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। श्रावण में देखिए, श्र में किसकी है, आ की मात्रा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, औ कर देंगे, व में क्या है, अ, तो हम इसको अलग कर देंगे, अ न, क्या हो गया श्रावण। फिर है प्रभावित, ठीक है, इनको भी आपको वही करना है, क्या करना है, जैसे यहाँ पर प में औ की मात्रा है, उसे हम निकालेंगे, औ की मात्रा निकाली और पीछे क्या है अन, इस औ को किसमें बदलेंगे हम, आव में, ठीक है। वही श्रावण में हमें करना है, श्र में से हमने औ की मात्रा निकाली, औ की मात्रा निकालने के बाद में इस औ को किसमें परिवर्तित करना है, हमें आव में परिवर्तित करना है। अब प्रभावित, प्र ऐसे कैसे लिखेंगे, क्यू, आ की मात्रा किसमें है, भ में है, तो हम औ की मात्रा किसमें लगाएंगे, भ में। व में कौन सा स्वर है, छोटी ई है, तो छोटी ई को हमने निकाला और तब ऐसे कैसे लिख दिया, क्या बन गया प्रभाव धन इत। अब हम इसको वापस वर्ण विच्छेद करके देखते हैं, भ में से हमने औ निकाला और इत लिख दिया, इस औ को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे, आव में। भावुक, वही कार्य हमें करना है, क्या करना है, आ की मात्रा किसमें है, भ में, तो भ में हमने औ लगाया, व में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो हमारा दूसरा शब्द किससे स्टार्ट होगा, ऊ से, पीछे क्या है, क, तो क्या हो गया उक। अब क्या हो गया, ये भ में से हमने औ निकाला और उक, तो इस औ को किसमें परिवर्तित कर देंगे, आव में। तो ये थी हमारी अयादि संधि, कुछ अपवाद है संधि शब्दों को लेकर के, जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसे
ध्यान से देखिएगा, भावक, पावन, श्रावण, प्रभावित, भावुक, सब में आव आ रहा है और उस आव की जगह आपको क्या कर देना है, औ की मात्रा लगा देनी है। औ की मात्रा लगाने के बाद में व में जो भी स्वर होगा उससे आपका दूसरा शब्द शुरू हो जाएगा। तो अब हम संधि के कुछ अपवाद देख लेते हैं। स्वर संधि के अपवाद कौन कौन से हैं? कुछ अपवाद हैं स्वर संधि को लेकर के, उन्हें भी देख लेते हैं हम, जो परीक्षा में मोस्टली अपवाद ही आते हैं, अपवाद में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अपधन अंग, अपांग, ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कई बार यहाँ पर अपांग की जगह अपंग दिया जाता है, अपंग, ये अपंग भी शब्द है। यहाँ पर अपांग का अर्थ होता है जिस आंख में विकार जो हो जाता है, उस विकार को क्या कहा जाता है? अपांग कहा जाता है। और अपंग किसी अंग में खंडन होना क्या कहलाता है? अपंग कहलाता है, ठीक है। किसी जो विकलांग होते हैं उनके किसी अंग में जो क्षति हो जाती है या उस अंग में विकार उत्पन्न हो जाता है, वो अपंग कहलाता है, ठीक है। प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, यहाँ पर आपको दो मात्राएं दिख रही है, दो मात्राएं किसकी पहचान होती है? वृद्धि संधि की, लेकिन यहाँ गुण संधि हो रही है और यहाँ पर उ और अ का मेल होने पर ओ उत्पन्न, ओ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? औ हो रहा है, इसलिए ये अपवाद माना जाता है। फिर पृष्ठ धन उ, यहाँ पर भी अ और उ का मेल हो रहा है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? औ प्राप्त हो रहा है। तो दो मात्राएं किसकी पहचान है? वृद्धि संधि की, लेकिन ये किसमें गिना जाता है? गुण संधि का अपवाद माना जाता है। फिर स्वधन इरिता, अब अ और ई मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या हमें प्राप्त होना चाहिए? एक मात्रा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी दो मात्राएं बन रही है, तो कौन सी हो गई? गुण संधि, स्वरिता हो गया है, ठीक है। अक्षधन उहिनी, अक्षोहिणी हो गया, वही चीज यहाँ पर भी आई है, अ और उ को मिलाने पर हमें औ ओ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? हमें औ मिल रहा है। तो ये भी क्या है? गुण संधि का अपवाद माना जाता है। अधर धन ओष्ठ, यहाँ पर अ और ओ मिलके क्या होते हैं? औ होते हैं, लेकिन यहाँ पर औ ना हो करके केवल ओ हो रहा है, इसलिए ये अपवाद माना जाता है। किसका? वृद्धि संधि का, क्योंकि अ के बाद में ओ स्वर आता है तो किस में परिवर्तित होता है? औ में परिवर्तित होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लंब धन ओष्ठ, तो ब में अ और ओ मिलके क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, इसलिए वृद्धि संधि का अपवाद है। शुद्ध धन ओदन, अ के बाद में ओ है तो क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? केवल ओ बन रहा है, शुद्धोदन हो रहा है, इसीलिए ये वृद्धि संधि का अपवाद माना जाता है, ठीक है। अ और ओ, अ के बाद में यदि ओ आता है तो किसमें परिवर्तित होता है? औ में, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? हमें ओ मिल रहा है, इसलिए क्या माना गया? अपवाद माना गया। कुछ और शब्द है, आइए देखते हैं उनको भी। गो धन अक्ष गवाक्ष, यहाँ पर अ है, ठीक है। अगर आपका विच्छेद करते हैं तो हमें व में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, लेकिन ये व में अ ना होकर के आ है, तो आयाजी संधि का अपवाद है। और ये पवित्र शब्द जो है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका कई बार विकल्प पू धन इत्र आता है, ये भी सही है, और कई बार विकल्प पो धन इत्र आता है, ये भी हमारा सही है। ये आयाजी संधि का अपवाद माना जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी स्वर संधि, आज हमारी पूरी होती है। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।